हेलो दोस्तों, आज पढ़ते हैं जी ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स, दीज क्रैकर्स आर मेड विदाउट आर्सेनिक, मरकरी एंड बेरियम। तो इनका क्या है ना, इसमें बेसिकली क्रैकर्स में ऐसे हार्मफुल केमिकल्स डाले जाते हैं और जलने पर ये अलग अलग प्रकार के कलर्स निकालते हैं। तो जिन पटाखों में ऐसे हार्मफुल केमिकल नहीं डाले गए होते वो उनको कहते हैं ग्रीन क्रैकर्स। आर्सेनिक, मरकरी, बेरियम वगैरह नहीं डाले जाते। ग्रीन, देखो दो तीन चीजें आपने मन में रखनी है। ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर ब्लू टर्मिनोलॉजी आई थी उसका मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, एक्वेटिक। ऐसे ग्रीन क्रैकर्स कॉज 30% लेस एयर पोल्यूशन एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स। तो जहां क्वेश्चन आ जाएगा क्या ग्रीन क्रैकर्स 0% पोल्यूशन करते हैं, तो आपने कहना नहीं करते हैं, कम करते हैं। ट्रेडिशनल जो वैसे पहले जो मिलते हैं पटाखे उनके कंपैरिजन ये कम पोल्यूशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो नहीं लेस। दे रिड्यूस अमिशन सब्सटेंशियली, अब्सॉर्ब डस्ट, अमिशन कम करते हैं, जो डस्ट पैदा हुई उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस लाउड बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, और इनकी आवाज भी कम होती है। ठीक है जी। दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स अप्रूव्ड बाय CSIR, जिनके पास लाइसेंस है वो इनको बना सकते हैं। ठीक है जी। असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, ये क्या है? असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, इन इट इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज मैनेज्ड रीग्रोथ। रीग्रोथ करानी है खुद से मैनेज करते हुए। ठीक। ANR मीन प्रोटेक्शन एंड प्रजर्वेशन ऑफ नेचुरल ट्री सीडलिंग्स इन फॉरेस्टेड एरियाज। पहले से ही जहां जंगल है वहां पर जो छोटे छोटे आपके ट्री की सीडलिंग्स है, छोटे ट्री हैं, उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन भी करनी है और प्रजर्वेशन भी करनी है, बचाना है। इज प्रोवाइडेड बाय लोकल कम्युनिटी एंड बाय ह्यूमंस। ये सारी प्रजर्वेशन कौन करता है? इंसान। मतलब असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन, एक हिसाब से कुदरती रूप से वो रीजनरेट भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको खेतों में या अपने एरिया में जाकर नहीं उगाया, पैदा किया। हमने क्या किया, उन्हीं के नेचुरल फॉरेस्ट यहां पर है, वहीं पर उस पेड़ों की देखभाल की और वहीं पर उनको रीजनरेट किया थोड़ी असिस्टेंस देकर। ठीक है जी। Trees and forest can be restored using ANR at less than a third of the cost of tree planting. देखो, हम जब कहीं और खेत में अपनी जमीन पर ट्री प्लांट करेंगे तो उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। बिल्कुल जंगल में ही जहां पर पहले से ही पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या कर देंगे हम, उन्हीं को ही संभाल करो, इससे हमारा खर्चा बचेगा। ठीक। कितना? ऑलमोस्ट at less than a third of the cost of tree planting, ये बात हुई। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फ्रेश वाटर ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्ट, साफ पानी में पाया जाने वाला काले रंग का सॉफ्ट शेल है उसकी, कछुआ टर्टल। ये वाले ना आपने जरूर से अधिक नहीं रट्टे मारने, हमने एक एक बार ऊपर से पढ़ लेना है ताकि आपको पता हो। ऐसे जीव जंतु जो क्रिटिकली अनडेंजर्ड है, पाए गए, हमको मिले, तो उनके लिए स्पेशल मेजर्स हम ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा पढ़ लेना है। हर किसी मेंढक को, चूहे, बिल्ली को, सबको याद नहीं करना हमने। अनटिल साइटिंग्स अलोंग द ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज इन असम, असम में ब्रह्मपुत्रा के आसपास में पाए जाने से पहले अभी तक क्या था, अभी हमने थोड़ा देखा इनको पहले, पर हम क्या समझते थे, द ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये अब जंगल में नहीं पाए जाते, इक्का दुक्का पाए जाते हैं जो कि खुद से प्रिजर्व किए गए हैं। ठीक है ना, ऐसा सोचा जाता था, पर अब क्या है, ये वाले कछुए ब्रह्मपुत्रा के आसपास, ब्रह्मपुत्रा की वैली में ड्रेनेज सिस्टम इन असम में पाए गए हैं। अर्लियर इट वॉज कन्फाइंड ओनली टू पॉन्ड्स ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ जो मंदिर हैं उन्हीं के तालाबों में ये पाए जाते थे, मतलब कुदरती रूप से जंगल में नहीं पाए जाते थे, एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश के मंदिरों में। ठीक है जी।
और इसका स्टेटस क्या था, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ही विलुप्त होने की कगार पर है, खतरे की घंटी बज रही है, आज खत्म हुए कल खत्म हुए पता नहीं कब, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, पर अब ये देखे गए हैं असम में। बट इट डज नॉट एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन, ये एक बात है, चाहे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है पर लीगल इनको प्रोटेक्शन कुछ नहीं दी गई अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। हमने पढ़ा कि वाइल्ड लाइफ की प्रजर्वेशन के लिए हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लेकर आए थे, तो उसके तहत इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वेरियस एफर्ट्स आर बीइंग टेकन फॉर देयर कंजर्वेशन, पर सरकार वहां के मंदिर के साथ, वहां के मठों के साथ मिलकर ऐसे कई प्रकार के मेजर्स लेकर आ रही है, पर इनको लीगल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ओके जी, ये बात हो गई। आगे बात है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इंपॉर्टेंट है ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, तो ये कोई फॉक्स नहीं है, ये चमगादड़ की वैरायटी है, बैट की वैरायटी है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रूट ईटिंग बैट, फ्रूट ईटिंग, फल खाने वाली क्या है, चमगादड़ है, बैट है, इंडिया की सबसे बड़ी साइज में, फोटो देख लेना आपने गूगल पर, फ्लाइंग फॉक्स है ना। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट निपा वायरस हैव बीन फाउंड इन दीज बैट्स, तो निपा वायरस के खिलाफ लड़ने वाले जो एंटीबॉडीज हैं वो इनमें पाए गए, तो इसलिए ये न्यूज में थी, पर आपने याद रखना है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या है, एक बैट है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रूट ईटिंग बैट है, फॉक्स नहीं है। आगे है जी ब्लू फिंड महसीर, महसीर एक मछली है, काफी फेमस मछली, तो नीले पंखों वाली महसीर, इनकी कई वैरायटियां हैं जी, गोल्डन पंखों वाले, नीले पंखों वाले, रेड वाले, चॉकलेट पंख वाले, ऐसे ऐसे संतरी वाले, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है मेन मेन आपको पता होनी चाहिए, कम से कम वो जो विलुप्त होने की कगार पर है, और जो दूसरी जो बिल्कुल ही ज्यादा पाई जाती है, लीस्ट कंसर्न वाली। IUCN स्टेटस मूव फ्रॉम एंडेंजर्ड स्टेटस टू लीस्ट कंसर्न स्टेटस, तो नीले पंखों वाली को क्या कह दिया, पहले एंडेंजर्ड थी, अब क्या कह दिया, लीस्ट कंसर्न, कोई टेंशन नहीं, इनकी काफी संख्या है। फाउंड इन द रिवर्स ऑफ डेकन प्लेटू, ठीक, डेकन प्लेटू की नदियों में पाई जाती हैं ये, पठार वाले एरिया में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डज नॉट एक्सप्लिसिटली ड्रॉ अटेंशन टू फिश अंडर द डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल, तो कोई इतना कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ही हमारे कानून के प्रति कोई ज्यादा सीरियस है, ये क्या है, काफी ज्यादा पाई जाती है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कहाँ पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू में, नीले वाली लीस्ट कंसर्न है IUCN स्टेटस। आगे है जी अदर मेजर टाइप्स ऑफ महसीर, वो कौन कौन सी है, गोल्डन, जिनके पंख गोल्डन कलर के हैं। फाउंड इन द हिमालयन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, हिमालय की नदियों में पाई जाती है ये। इट्स IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड है गोल्डन वाली हिमालयन नदियों में, हिमालय की नदियों में। ब्लू फिन या डेकन महसीर फाउंड इन रिवर्स ऑफ डेकन प्लेटू एंड साउथ इंडिया, ये पढ़ चुके हम। रेड फिन लाल पंखों वाली फाउंड इन द रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में। चॉकलेट महसीर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, चॉकलेट महसीर कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, इसको याद कर लेना आपने, हिमालय में कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट में कौन सी है, और डेकन में कौन सी है, ये तीन कर लेना चाहिए। ऑरेंज फिंड और हम्प बैक पिछला इसका हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम्प बैक ऑरेंज फिन वाली फाउंड इन कावेरी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल साउथ में। इसका IUCN स्टेटस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी, ऑरेंज फिन वाली और हम्प बैक मैसिव क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से सिलेक्टिवली आपने कभी कभी पढ़ना होता है, तो उसी को याद करना है। सब कुछ याद करने बैठ जाओगे तो इंटरेस्टिंग सब लगेगा पर वो उससे बात नहीं बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज फिन, हम्पबैक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, साउथ इंडिया कावेरी रिवर में, ठीक है जी। आगे है जी प्रोजेक्ट महसीर, बस इन मछलियों को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसे कहते हैं प्रोजेक्ट महसी। स्टार्टेड इन 1971, काफी समय पहले ही कर दिया है, 50 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए 50 से।
The project has finally borne fruit after an effort spanning 50 years by getting the fish delisted from the red list of IUCN. IUCN की रेड लिस्ट से ये पहले रेड लिस्ट में था, अब इसको डीलिस्ट कर दिया गया है क्योंकि प्रोजेक्ट मैसी लॉन्च किया गया, काफी एफर्ट किए गए इस फिश को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, तो फिर अब इसका डीलिस्टिंग हो गई है रेड लिस्ट से। रेड लिस्ट कौन सी? IUCN। ये रेड लिस्ट क्या होती है, IUCN क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आगे है जी पिग्मी हॉक्स। पिग्मी हॉक्स ये छोटे छोटे सुअर होते हैं, वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग, ठीक, बहुत कम पाए जाने वाले और सबसे छोटे क्या जंगली सुअर। थ्राइव्स इन टाल एंड वेट ग्रासलैंड्स, लंबी लंबी और वेट नमी वाली ग्रासलैंड में होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कंडीशंस दी गई होंगी और पूछा जाएगा कि किस जीव की बात हो रही है जो यहां पाया जाता है। टॉल एंड वेट ग्रासलैंड्स, इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स दैट बिल्ड इट्स ओन होम, ऐसा मैमल जो अपना घर, अपना नेस्ट खुद बनाता है। आपने देख लेना नेट से, जैसे घास फूस इकट्ठा करके अपना नेस्ट बना लेता है जमीन पर, ठीक। कंप्लीट इट विद ए रूफ, छत तक बना लेता है। दे आर फाउंड अलॉन्ग ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वेट ग्रासलैंड प्लेन्स, ठीक, ऑन द हिमालयन फुटहिल्स, हिमालय के साथ साथ प्लेन एरिया में जहां पर वेट ग्रासलैंड पाई जाती है, नमी वाली गीली ग्रास, तो उसमें पाए जाते हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक, ऐसे जो पूरी बेल्ट है हिमालय के साथ साथ, वहां जो पाए जाते हैं। इनका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एंडेंजर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है इनको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि ये कहीं और नहीं पाए जाते, इसी एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी कंजर्वेशन के लिए सरकार स्पेशल प्रोग्राम चला रही है। ये बात हो गई। आगे है जी कड़कनाथ। कड़कनाथ काली मासी भी कहते हैं इसको, इज द ब्रीड ऑफ चिकन, मुर्गे की ब्रीड है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर में ये ओरिजिनेट हुआ है। रिसीव्ड GI टैग इन 2017, इसको GI टैग मिल चुका है। पॉपुलर फॉर इट्स ब्लैक मीट, अपने काले मीट के कारण ये काफी पॉपुलर है। विच इज फेमस फॉर इट्स मीट क्वालिटी, इनकी मीट क्वालिटी भी काफी प्रसिद्ध है कड़कनाथ की, काले मुर्गे की। आल्सो फेमस फॉर इट्स लो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी कम है, एंड हाई प्रोटीन, प्रोटीन भी अच्छा है, मीन हेल्दी भी, और इसकी मीट क्वालिटी अच्छी है। आगे है जी मधुमलाई टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट, तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तमिलनाडु में, केरला में नहीं है, उसी में है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। एट द ट्राई जंक्शन ऑफ थ्री स्टेट्स, तीन स्टेट का ट्राई जंक्शन है, तीन स्टेट की बाउंड्री जहां पर मिलती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। आगे है जी पक्के टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट है जी, कहां है जी? अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में। इट इज पार्ट ऑफ पकुई और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पकुई और पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है पक्के टाइगर रिजर्व। और देख लो निशी ट्राइब, निशी ट्राइब लिव इन द सराउंडिंग रीजन, तो इसके आसपास कौन सी ट्राइब रहती है? निशी ट्राइब। बस ऐसे ऐसे पॉइंट ना जो कीवर्ड्स हैं आपको पता होना चाहिए, तो ये न्यूज में है किसी ना किसी कारण के लिए, तो इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर इट्स हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम, तो यहां पर पंछी पाया जाता है हॉर्नबिल, तो उसके लिए नेस्ट बनाए गए हैं, उस नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इस टाइगर रिजर्व में। दिस टाइगर रिजर्व वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016, 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड से इसको, ठीक है, अवार्ड किया गया था। कौन सा प्रोग्राम अपनाया गया था? हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। अब देखो ये बात तो है 2016 की, पर इंपॉर्टेंट तो है ना, चीजें चल रही है, इंपॉर्टेंट है ये काफी, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये स्किप नहीं करना। इन द एरिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, तो थ्रेटन स्पीसीज कैटेगरी में जो ये वाला प्रोग्राम इन्होंने अडॉप्ट किया उसके तहत इनको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिला था।
ठीक है जी, कहाँ? पक्के टाइगर रिजर्व में। आ गया जी नामडफा टाइगर रिजर्व, नामडफा नामडफा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। द नामडफा फ्लाइंग स्क्विरल, तो ये है इंपॉर्टेंट, तो यहाँ की एक स्क्विरल है, गिलहरी है, फ्लाइंग स्क्विरल, आपने इसकी फोटो देख लेनी है। बेसिकली ना जब ये ऊपर के एरिया से कूदती है तो अपने एरिया शरीर को ऐसे फैला लेती है, तो ऐसे लगेगा आपको भी ये उड़ रही है। बेसिकली सीधा नहीं गिरती, थोड़ा आप कह लो कि उड़कर गिरती है, ऐसे कोई पंख नहीं होते इनके। तो फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ है? नामफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। दिस स्क्विरल इज एंडेमिक टू द पार्क एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, तो इस पार्क में पाई जाती है, नामफा टाइगर रिजर्व में, अरुणाचल प्रदेश में, फ्लाइंग स्क्विरल। और इसका स्टेटस क्या है? IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब खतरे की कगार पर आ जाए, बहुत कम रह गई है। आ गया जी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, आर से रामगढ़, आर से राजस्थान, ये कहां है? टाइगर रिजर्व राजस्थान में। ठीक, इतना याद कर लेना आप, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी कैनाल पंजाब से निकाली गई थी राजस्थान के नॉर्दर्न एरिया के लिए, तो वहां पर काफी हरी, आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ इस डिस्ट्रिक्ट को पानी पहुंचाया गया, आबाद किया गया इस एरिया को, काफी वहां पर खेती प्रफुल्लित हुई इस नहर के कारण। द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी कैनल कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनल। स्टार्ट फ्रॉम द हरिके बैरेज, हरिके बैरेज कहाँ है? हरिके, जहां पर सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं, तो वहां का जो बैरेज है वहां से नदी निकलती है एट हरिके, ए फ्यू किलोमीटर्स बिलो द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलुज एंड ब्यास रिवर्स इन पंजाब। तो जहां पर सतलुज और ब्यास रिवर्स मिलती हैं उसके थोड़ा नीचे से क्या है ये नहर निकलती है। इट टर्मिनेट्स इन इरीगेशन फैसिलिटीज इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट में जो थार डेजर्ट है, तो वहां पर ये जाकर खत्म हो जाती है। आगे है जी मेक दत्तू टाइगर डैम प्रोजेक्ट, मेक दत्तू डैम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है जी। इट इज अ डीप जॉर्ज सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स कावेरी एंड अर्कावती, ये बात है। मेक दत्तू डैम प्रोजेक्ट कहाँ है? कर्नाटका में, तो जहां पर कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? कावेरी एंड अर्कवती, ये कह रहे हैं। आगे है जी डोंगरिया कॉर्न्स, डोंगरिया कॉर्न्स ट्राइबल कम्युनिटी है, क्या है ये? पर्टिकुलर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो ट्राइबल ग्रुप है उनमें से भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप जो कि काफी वल्नरेबल है, जिनकी संख्या काफी कम रह गई है, और जो वल्नरेबल है भी आने वाले समय में इनका अगर ध्यान नहीं रखा गया तो ये और कम हो जाएंगे, विलुप्त भी हो सकते हैं। लोकेटेड इन द न्यामगिरी हिल रेंज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, उड़ीसा स्टेट में पाए जाते हैं डोंगरिया कॉर्न्स ट्राइब, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये। आगे है जी ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया ऑपरेशन किस जीव को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है? ओलिविया कछुए के लिए। कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड्स टू प्रोटेक्ट टर्टल्स, टर्टल्स की प्रोटेक्शन के लिए, एज दे अराइव टू नेस्ट इन उड़ीसा। अब हमने पढ़ा कि ये काफी तादाद में जो आपके ऑलिव रेड सी टर्टल होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं ट्रॉपिकल एरिया से और उड़ीसा कोस्ट पर अपने अंडे देते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च किया गया। ओलिविया रेड सी टर्टल होती है ना, ऑलिव रेड सी टर्टल, तो उनको बचाने के लिए इनिशिएट इन द अर्ली 1980s, काफी समय पहले हो से चल रहा है ये प्रोग्राम। देखो ये आपको तो याद ना करना ही पड़ेगा, जब भी आप यूपीएससी दोगे हर साल ये न्यूज आती रहेगी, टर्टल्स आ गए, टर्टल्स चले गए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये किया वो किया, ये सब चीजें होंगी। इट इन्वॉल्व राउंड द क्लॉक सर्विलेंस, बेसिकली 24 घंटे सर्विलेंस करनी है, ध्यान रखना है, निगरानी करनी है, फ्रॉम नवंबर टिल मई, नवंबर से लेकर मई तक, यूजिंग फास्ट पेट्रोल वेसल्स, पेट्रोल वेसल निगरानी करने की, पूरी किश्तियां चलानी है उस एरिया में, एयर कुशन वेसल्स
इंटरसेप्टर क्राफ्ट एक्सेट्रा से क्या करना है, सर्विलेंस करनी है. ऑल 5 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स फाउंड इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में ये सी टर्टल्स की सारी पांचों की पांचों 5 वैराइटीज इंक्लूडेड है. इसका मतलब इनको बहुत प्रोटेक्शन हासिल है. एंड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल है ना एंडेंजर स्पीसीज होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज साइट्स, हमने पढ़ा भी जो एंडेंजर स्पीसीज है उनकी ट्रेड के लिए कुछ रूल्स हैं. आपको आप उनको एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही नहीं ले जा सकते. तो उसके अंदर भी ये क्या है, अपेंडिक्स 1 में है. मीन इनको काफी प्रोटेक्शन हासिल है. आगे है जी एडिबाडास. एडिबाडास क्या है, ऑलिव रिडली हैज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेस्टिंग हैबिट्स इन द नेचुरल वर्ल्ड. ये जो ऑलिव रिडली टर्टल होते हैं ये काफी इकट्ठी मास नेस्टिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मास नेस्टिंग कॉल्ड एडिबाडास. तो इनकी जो मास नेस्टिंग प्रक्रिया को एडिबाडास कहते हैं, मतलब इकट्ठे काफी झुंड में आकर अंडे देने. ओडिशा कोस्ट हैज 3 एडिबाडा बीचेस. कौन कौन से 3 बीचेस हैं जहां पर ऐसे मास नेस्टिंग होती है, गहीरमठ में, एक बात इंपॉर्टेंट है, माउथ ऑफ देवी रिवर पर, एंड ऋषिकुलिया. ठीक है जी, ऋषिकुलिया, ये तीनों साइट इंपॉर्टेंट है जहां पर ये वाले कछुए आकर अंडे देते हैं काफी तादाद में. वेयर अबाउट 1 लाख नेस्ट आर फाउंड एनुअली, जहां पर हर साल लगभग 1 लाख इनके घोंसले मिलते हैं जहां पर वो अपने अंडे देते हैं. मोर रिसेंटली न्यू मास नेस्टिंग साइट हैज बीन डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ये भी एक बात है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी मास नेस्टिंग वाली साइट्स मिली हैं. विद मोर देन 5,000 नेस्ट रिपोर्टेड इन ए सीजन, जहां पर एक सीजन में 5,000 से ज्यादा नेस्ट पाए गए हैं. तो कहने का मतलब काफी नेस्ट जहां भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी पाए गए हैं. बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी, आज के लिए इतना ही. नमस्कार.